बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए गुजरात और हिमाचल के चुनाव काफी अहम है। एक तरफ जहां राजनीतिक पंडित इन चुनावों को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं ज्योतिष विद्या के विशेषज्ञों ने भी ग्रहों के योग के आधार पर गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों का अनुमान लगाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कौन से राज्य में कौन सी पार्टी के जीतने की संभावना है। हिमाचल। 25 जनवरी 1971 को स्थापित हुए हिमाचल की कुंडली कन्या लगन की है। हिमाचल प्रदेश की कन्या लगन की कुंडली में गोचर के शनि चतुर्थ भाव में स्थित धनु राशि के चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। ये स्थिति प्रदेश की जनता की बदलती राजनीतिक सोच को दर्शाती है। चुनाव के वक्त इसे सत्ता बदलने का संकेत भी माना जा सकता है। यही नहीं, तुला राशि में गोचर कर रहे गुरु और धनु राशि में गोचर कर रहे शनि दोनों हिमाचल की कुंडली के दशम भाव को देखकर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन का योग बना रहे हैं। गुजरात। 1 मई 1960 को स्थापित गुजरात की कुंडली धनु लगन और मिथुन राशि की है। गुजरात की कुंडली में शनि लगन से गोचर करते हुए राज्य के जन्मकालीन चंद्रमा और दशम भाव दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। गुजरात की कुंडली में बुध में राहु की विषोंतरी दशा चल रही है। बुध नीच के होकर केतु के साथ सिंहासन के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि वर्तमान सरकार के लिए उहापोह की स्थिति दर्शा रहे हैं। दशम भाव में बैठे राहु की अंतरदशा अब गुजरात में उथल पुथल की स्थिति को दर्शा रहा है। इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की कुंडलियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी की कुंडली में अप्रैल 2012 से दशम भाव में बैठे सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि अप्रैल 2018 में समाप्त होगी। बीजेपी की कुंडली में राजसत्ता के दशम भाव में बैठे सूर्य की महादशा ने उसे वर्तमान केंद्र की सत्ता के साथ साथ 15 से ज्यादा राज्यों में सरकार स्थापित कर मजबूत स्थिति में ला दिया है। लेकिन समाप्त होते सूर्य की महादशा में बीजेपी अब कमजोर हो सकती है और बाद में अप्रैल 2018 में आने वाली नीच के चंद्रमा की महादशा में इस पार्टी को अंत विरोधों के साथ विपक्षी दल कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पर जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक शुक्री वशोंतरी दशा चलेगी। दशम भाव में बैठे शुक्र की अंतरदशा में कांग्रेस गुजरात चुनावों के साथ साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिससे भारत का राजनीति प्रदेशीय बदला हुआ दिखाई दे सकता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।